हेलो एवरीवन वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म आज के इस सेशन से हम एक और टॉपिक पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में कई सारे टॉपिक्स हैं तो पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम आपके साथ एक ब्रीफ टॉपिक हाईलाइट्स कर लेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन टॉपिक्स की हेल्प ले सकें तो आई बिलीव आप इन सेशन्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं मल्टीपल बेनिफिट ले रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लाइक वो टॉपिक को ले रहे हैं हेल्प और टॉपिक कवर अप करने के बाद साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुल फ्रेज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने टेस्ट के अलावा तो अगर आपने कुछ और यूनिक स्ट्रैटेजी निकाली है इससे बेनिफिट देने की तो हमारे साथ जरूर शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें पहला क्वेश्चन है द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्क ऑन द टास्क ऑफ कंपनसेटिंग फॉर सम डेफिशियंसी इन क्लासिकल डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन इट तो आपसे इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेशन मानी गई है एंड डिस्कस दैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थियोरी ठीक है तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू बी थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अगर देख सकते हो तो ये क्वेश्चन टू पार्ट्स का है पहला तो आपसे स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन पूछी गई है और दूसरा जो है आपसे फीचर्स पूछे गए हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के ठीक तो, uh, है तो टू पार्ट्स का क्वेश्चन है टू थाउजेंड इलेवन में ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन हमारा द क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अरेंजेस फ्रॉम ह्यूमन रिलेशन एज अ टूल फॉर साइक्लिकल पिंग ऑफ पीपल टू ह्यूमन रिलेशन नो मोर देन ट्रिफलिंग बॉडी ऑफ एम्पेरिकल डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट तो अगेन अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो न्यो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पर रिपीटेडली हमने क्वेश्चन टू थाउजेंड इलेवन में देखा उसके बाद ये क्वेश्चन दो हज़ार सोलह का है टू थाउजेंड सिक्सटीन का ये क्वेश्चन है काफ़ी लंबे समय के बाद ये टॉपिक रिपीट हुआ न्यो क्लासिकल थ्योरी पर आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म वर्ड दे दिया गया है स्टेटमेंट दे दी गई है और आपसे उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है 2016 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टू बी ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है तो ये था आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी पे जो सेकेंड टाइम रिपीट हुआ ये टॉपिक नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हम देख सकते हैं द क्रिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आर ऑफ द व्यू दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक एन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल एग्जाम दिस स्टेटमेंट तो आपने नोटिस किया तीनों क्वेश्चन 2011, 2016 और ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन स्टेटमेंट बाइस था इसीलिए मैं आपकी तैयारी कराती हूँ जब भी हम कोई भी नया चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके जो डिफरेंट डिफिनीशन्स हैं वो डिफिनीशन्स के साथ स्टार्ट करते हैं रीज़न क्या है उसका आप जब अपनी घर पर प्रैक्टिस करने लगते हैं डिफिनीशन्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं उसे समझने लगते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके लिए होने लगते हैं तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन पे समय बताया करें ठीक है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट था एग्जामिन दी स्टेटमेंट 2017 का क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो 2011 हजार ग्यारह फिर सोलह फिर इमिडिएट बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया लेकिन इस बार पूछा न्यू क्लासिकल थ्योरी से नहीं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे पूछा गया आपको जिसको कनेक्ट किया गया है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आर ऑफ द व्यू दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल एग्जामिन दिस क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अब तो आपने ये डिसाइड कर लिया होगा अभी कि भाई न्यू क्लासिकल तो पढ़ के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो वैसे भी मैंने आपसे रिकमेंड किया था ये चीज़ आपको सजेस्ट किया था कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी क्या करनी है हंड्रेड परसेंट कमांड ऑन पास्ट ईयर टॉपिक्स ठीक है एट्टी परसेंट कमांड ऑन द टॉपिक आप जिसमें कंफर्टेबल हो एंड देन फिफ्टी परसेंट कमांड जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है बिकॉज आप देख सकते हैं कई आपने अभी तक टॉपिक वाइज सेशन्स देखे होंगे कि कुछ हाथ क्वेश्चंस तो सरप्राइजिंगली कुछ ईयर्स में स्टार्ट हो जा रहे हैं ठीक है थीके? तो छोड़ना कुछ भी नहीं बेसिक आइडिया तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया फीचर्स पूछे गए न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन क्या पूछा है उसके इम्प्लीकेशन पूछे एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दो पार्ट का क्वेश्चन है आपका पहला आपका फीचर्स का है सेकेंड आपका ऐसे इम्प्लीशंस पूछे गए ठीक है तो 2019 का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू सी टेन मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने सारे क्वेश्चंस देखे ऑप्शनल क्वेश्चन का पार्ट है 2019 का ये क्वेश्चन है टेन मार्क्स का जिसमें दो पार्ट है तो आप आराम से इसका जो है न्यू क्लासिकल आप डेफिनेटली अब पढ़ के जा चुके होंगे तो आप इसे आराम से अटेंड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फोर अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन पी ओ एस डी कॉप थ्योरी ठीक है पी ओ एस डी तो ये एक वर्ड्स हैं सारे ऑन स्टैंड लोन बेसिस इनका फुल फॉर्म आई होप आपने कवरअप किया होगा काफ़ी अच्छे से ये आ, आपने कवरअप किया होगा पॉट्सकॉप थ्योरी ये जो हमारी है ये थ्योरी जो है लूथर गुल्लिक एंड उर्विक के द्वारा दी गई है ये थ्योरी ठीक है तो ये थ्योरी पर आपका जो है स्टेटमेंट पूछा गया डायरेक्टली पूछा है एक्सप्लेन पॉट्सकॉप वैसे पूछा गया है एक एग्जाम में और दूसरे एक सिमिलर एग्जाम में मतलब नेक्स्ट ईयर में इसे पूछा गया एक्सप्लेन पॉट्सकॉप थ्योरी ठीक है तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है वो डिटेल कवरेज करके जाता है उससे शॉर्टकट नहीं पढ़ के जाता है तो कई बार स्टैंड अलोन इस वर्ड का यूज़ किया है तो आप इसे कनेक्ट कर लेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से तो ये टेन मार्क्स का आपका क्वेश्चन है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड ठीक है तो आई होप आज के सेशन से आपको इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में किस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी करनी है एक ब्रीफ मैप एक आइडिया मिल चुका होगा तो आज आप इस सेशन का बेनिफिट उठा के उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज इससे आपको टॉपिक भी पता चल रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चल रहा है प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी पता चल रहा है तो विन विन सिचुएशन है तो इस मौके को जाने ना दें तो मैं आपके सामने इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले टॉपिक्स क्या क्या कवर अप करने चाहिए आपको सबसे पहले इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होता है उसका हिस्ट्री क्या है ब्रीफ आइडिया लेना चाहिए एवोल्यूशन क्या है उसके बारे में आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है टेलर के द्वारा गिवन काफ़ी फेमस थ्योरी है उसे कवर अप करना चाहिए हेनरी फ्योल की जो थ्योरी है उसे कवर अप करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे टर्म्स हैं उसे भी कवर अप करना चाहिए ठीक है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को कवर अप करना चाहिए जो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है पॉट्सकॉप थ्योरी जो गुल्क एंड औरविक के, के द्वारा दी गई है ठीक है उसके बाद एल्टन मायो की जो थ्योरी है ठीक है ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरी आपको कवर अप करनी चाहिए ठीक है और जो है मॉडर्न जो थ्योरीज हैं कंटीजेंसी थ्योरी इनके ब्रीफ आइडियाज़ आपको रखने चाहिए तो ये हमारा जो आज का सेशन था एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको उससे इंट्रोडक्शन करा दिया है प्लस मैंने आपको कौन कौन से मेन एरियाज़ ऑफ टॉपिक हैं वो भी बता दिए गए हैं तो आई होप आज इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे और भी हर सब्जेक्ट में हम टॉपिक वाइज ऐसे कवर अप करने वाले हैं लेकिन उसके लिए चाहिए होगा मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन सो कीप वर्किंग हार्ड टेक केयर बाय एंड जय हिंद